अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम करेले गोश्त बनाएंगे। सबसे पहले ये मैंने गोश्त लिया है 3 पाव, 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट। ये पहले गोश्त को बॉईल करेंगे। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है 3 पाव। अब ये सारा कुछ डाल के ना इसको बॉईल करेंगे। दूसरी तरफ करेले फ्राई होने के लिए रखेंगे। अब इसमें ना अंदाजन पानी डाल देंगे, क्योंकि ये जरा टाइम लेता है गोश्त, इसलिए इसमें पानी जरा साफ चला। और इसको वेट लगा देंगे तकरीबन आधा घंटा। दूसरी तरफ हम करेले फ्राई करने के लिए रख देंगे। ये 1 किलो मैंने करेले लिए, इनको धो के काट के नमक लगा के फिर आधे घंटे बाद मैंने फिर इनको धो के स्पिन किया है। प्याज लिए 3 और धनिया, और ये टमाटर 2 बड़े लिए। अब इनको फ्राई करेंगे, पहले करेलों को, फिर प्याज को, फिर सब कुछ डाल के दम दे देंगे। ये 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दो। ये सारा कुछ इसलिए पहले किया मैंने कि बहुत लंबी ये बनती है, तो फिर आप बंदा खुद भी आवाज आ रहा लेना। हल्के ब्राउन फ्राई हो गए, अब इसमें प्याज डाल देंगे। 2 बड़े प्याज लिए थे मैंने, उनको बारीक बारीक काट लिए। अब इनको फ्राई करके ये प्याज भी अब फ्राई हो गया, अब इसमें टमाटर डाल देंगे तो थोड़ा सा इस तरह से भून के ना। थोड़ा सा भून के नमक मिर्च और हल्दी डाल देंगे। 1 टीस्पून है, थोड़ी थोड़ी नमक मिर्च डालेंगे और थोड़ी थोड़ी गोश्त में डालेंगे, और बाकी मसाले भी, सूखा धनिया, पुदीना, ये सारा कुछ गोश्त में डालना है। जीरा, अब इसको हल्की आंच पे ना दम दे देंगे। 5-10 मिनट ना हल्की आंच पे दम दे देंगे, बहुत हल्की आंच। गाइस, मैंने गोश्त को उबाल लिया, बहुत अच्छा गल गया। अब इसमें ना भून उबाल के मैंने भून लिया। थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा करेलों में डाल लिया था, थोड़ा सा इसमें डालेंगे। ये सूखा धनिया और जीरा नहीं डाला था करेले में, इसमें डालेंगे। करेले इसमें डाल के ना दम दे देंगे बस। तो अब इसको डिश ऑफ कर लेते हैं।